जय गुरु। ऋतिक सम्मेलन में पूज्यपाद बाबाई दा बोले हुए कुछ बातें के ऊपर आलोचना करेंगे। पूज्यपाद बाबाई दा बोल रहे हैं, एक दादा जजन कर रहे हैं, जिसे जजन किया जा रहा है वो भयानक विरक्त है। आप लोग जजन क्यों कर रहे हैं? इतना जजन की क्या ज़रूरत है? उत्तर में जाजक ने कहा, मेरी लड़की बड़ी हो गई है, आपका युवक पुत्र है, आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि वो लड़का मेरी लड़की का पीछा नहीं करेगा? जब कोई गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, तब मैं बार बार जाजन करता रहूँगा मेरे अपने परिवार के लिए, अपने ही ताकिद में जाजन करता रहूँ, जाजन करता हूँ, इष्टवृत्ति करता हूँ अपने ही ताकिद की खातिर। जजन करना, प्रार्थना करना, नाम ध्यान करना, ये सब कुछ ही है स्वयं को ठीक रखने के लिए, गुरु के लिए नहीं। इनको करने से स्वयं को ही सुस्त, स्वस्थ, आनंदित रखा जा सकता है। सातवती नवंबर 2019 से संग्रहित। इष्टमुखी चलन और सूर्यमुखी का फूल। नित्य इष्टमुखी रहने के लिए शिशि ठाकुर भिन्न तरह की उपमा का प्रयोग किए हैं। एक दिन शिशि ठाकुर बोले, मैंने सुना है सिंगापुर में एक तरह का फूल मिलता है, पूर्व दिशा से जब सूर्य निकलता है तब वो फूल सूर्य की तरफ मुंह करके खिलता है, फिर जब सूर्य मध्य आकाश में पहुंचता है तब फूल आकाशमुखी हो जाता है, फिर सूर्य जब पश्चिम दिशा में पहुंचता है तब वो फूल भी पश्चिममुखी हो जाता है, सूर्यास्त हो जाने के बाद फूल भी मुरझा जाता है। ऐसा लगता है मानो सूर्य के अलावा और किसी का चेहरा देखना ही नहीं चाहता है। इष्ट के प्रति भी ऐसा ही जानना चाहिए। सूर्यमुखी फूल की तरह इष्ट को लक्ष्य बनाकर जीवन को संवार पाने से बचना अर्थान्वित हो जाता है। ईश्वरीय नर लीला की प्रकृत माधुर्य की उपलब्धि की जा सकती है। प्रिय परम से संग्रहित। जय गुरु।